हेलो एवरीवन, तो ये आपका धर्म शिक्षा का पहला पाठ है, प्रार्थना याचना। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, हिंद में पैदा हुए हैं, हिंद की संतान हैं, हिंद की सेवा करें, वरदान ऐसा दीजिए, प्रेम की गंगा बहे दिल में हमारे रात दिन, तुमको कभी भूले नहीं, सद्ज्ञान ऐसा दीजिए। इस प्रार्थना में यह याचना की गई है कि हे प्रभु, हे आनंद देने वाले, हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे कि हमारे सारे दुर्गुण, हमारे सारे ऐब, दोष, विकार वो दूर हो जाएं। और प्रभु से यह भी प्रार्थना की गई है कि हमें अच्छे चरित्र या आचरण वाला बनाएं, जो ब्रह्मचर्य को पालन करें, धर्म की रक्षा करने वाला बनाएं। और यह भी प्रार्थना की गई है कि हम अपने देश भारत के बच्चे हैं, संतान हैं, औलाद हैं, इसलिए हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम अपने देश की सेवा कर सकें, और हमें ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसा सद्ज्ञान दीजिए जिससे कि मानव का कल्याण हो, हमें हमारे दिल में सबों के लिए प्रेम, स्नेह और प्यार हो। अब कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए। आनंददाता, आनंददाता का अर्थ है आनंद देने वाला या खुशी देने वाला। दुर्गुण, दुर्गुण का मतलब है ऐब, दोष या विकार। सदाचारी, सदाचारी का अर्थ है अच्छे चरित्र या आचरण वाला। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का अर्थ है ब्रह्मचर्य को पालन करने वाला। धर्म रक्षक, धर्म रक्षक का अर्थ है धर्म की रक्षा करने वाला। संतान, संतान का अर्थ बच्चे, बालक या बच्चे, औलाद। सद्ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो मानव कल्याण के लिए प्रेरित करे। हिंद, हमारा देश हिंदुस्तान, भारत। वरदान, वरदान का अर्थ है मांगी हुई वस्तु या सिद्धि आदि देने की क्रिया। पहला प्रश्न है, इस प्रार्थना में प्रभु से क्या देने और क्या दूर करने को कहा गया है? उत्तर है, इस प्रार्थना में प्रभु से ज्ञान देने की प्रार्थना की गई है और सारे ऐब, दोष या विकार को दूर करने को कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रभु की शरण में जाकर हम क्या बन सकते हैं? प्रभु की शरण में जाकर हम अच्छे आचरण वाले, ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले एवं धर्म की रक्षा करने वाले बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस प्रार्थना में देश के लिए क्या मांग की गई है? इस प्रार्थना में देश के लिए ऐसे वरदान की मांग की गई है जिससे देश की सेवा कर सकें। अगला प्रश्न, जो इस पाठ का आखिरी प्रश्न है, यहाँ किस सद्ज्ञान की मांग की गई है? इस कविता में किस सद्ज्ञान की मांग की गई है? तो इस कविता में प्रेम, प्यार, स्नेह और प्रभु को कभी न भूलने की सद्ज्ञान की मांग की गई है।